चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जब तक किसान जिंदा है तो जो इसके मुद्दे हैं अपने के लिए तो लड़ता रहेगा, अपने अकेले लड़ाई सब लड़े। मंदिर के खिलाफ नहीं है, राम मंदिर बनाओ, राम को तो फालतू मानने पर बात ये राम नाम वोट ना मांगो, वोट मांगो काम के ऊपर। ये तो फिर सारा वसूल कर मारे पति कर रहा का वो उगा रहा कहीं देखियो ना, गेहूँ कुकर हो या ये कुकर हो, कुकर बंद है वहाँ से और कुकर पैन चला हुआ जाडे में, पता हो सही इस बात का। हाथ जोड़ेंगे, पांव पकड़ेंगे, कुशामद करेंगे, उसे मनाएंगे, जिससे कि इस गांव में तक खत्ते ना खुले भाजपा का। तो हमें संघर्ष करने की जरूरत, हम समाजवादी लोग आपको गले लगाने हैं। परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की। कितना विकास हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है। कि मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं थाना भवन विधानसभा के दरगाहपुर गांव में। हम किसानों के बीच है। अभी अभी पिछले कुछ समय में किसान आंदोलन वापस हुआ है जीत के साथ, और इसी बीच हम किसानों के मुद्दों को लेकर बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस तरह से किसान अपने मुद्दे समझ रहा है या किस तरह से अपने मुद्दों को समझकर वो वोट करने वाला है, इसी बात की चर्चा हम करते हुए आज दरगाहपुर गांव में है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किसानों के जमीनी मुद्दे क्या है, किसान इस बार किस तरह की सरकार चाह रहा है, किसकी सरकार बना रहा है, किसकी सरकार हटा रहा है, इसको हम जानने के लिए इन लोगों से बात करेंगे। जी बाबू जी नमस्कार, आपका क्या नाम? विनोद कुमार। विनोद जी ये बताइए, मेरा पहला ही सवाल ये है कि 1 साल 13 दिन के बाद, लंबे संघर्ष के बाद, किसान जो आंदोलन कर रहे थे बॉर्डर पर दिल्ली के चारों ओर, वो वापस आए हैं, किस तरह की, पहले आप ये बताइए कि किस तरह की खुशी है, किस तरह का एहसास आप कर रहे हैं एक जीत का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है जी। कितने दिन तक किसानों ने इकट्ठा होकर आंदोलन चला, और खुशी इस बात की भी है, बदले दुख इस बात का है कि हमारे काफ़ी किसान बेचारे शहीद हुए, लेकिन जो हमारे पीएम है साहब है, आज तक किसी किसान के प्रति उन्होंने सहानुभूति प्रकट नहीं की। वो तो जैसे किसान आंदोलन आ गया है, क्या किसानों के मुद्दों पर सरकार से बातचीत हुई है, या आगे भी जैसे आप कह रहे थे गन्ना भुगतान का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, क्या इन पर भी किसान आगे लड़ाई जारी रखेगा? जारी रखेगा जी, किसान जब तक किसान जिंदा है तो जो इसके मुद्दे हैं अपने के लिए तो लड़ता रहेगा, अपने अकेले लड़ाई सब लड़े तो किसान भी अपने अकेले लड़ाई के लिए लड़ता रहेगा। जैसे आप कह रहे थे कि भुगतान का, अभी भुगतान 1 साल का बाकी है, और आपके क्षेत्र के तो गन्ना मंत्री है। नहीं, 1 साल का नहीं, मार्च तक का पेमेंट दिया पिछले साल का, जो मतलब अब जब गन्ना निकल चुका समझ गए, तो उसका जो पिछले साल जो बोर्ड गन्ना के तो उसका पेमेंट अब तक नहीं आया, और जो मुड्ढा था मुड्ढा तो निकल गया सबका, किसानों का लवा लग रहा, तो इसका पेमेंट अब तक नहीं आया, पिछले साल का बोर्ड का नहीं आया। तो सबसे बड़े तो किसानों को पैसा चाहिए जी, पैसा कहाँ से होगा? तो गन्ना मंत्री जैसे आपके क्षेत्र के हैं तो वो काम करते हैं गन्ना भुगतान की समस्या पर, उन्होंने कहाँ करे, दूसरे जिले है, मतलब मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास में, उसका जो मतलब पूरे जितने फैक्ट्री उसमें गन्ना गन्ने फैक्ट्री सबने अपना पूरा पेमेंट कर दिया, अगला भी चल देना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे जिले पर आपत है, 3-4 फैक्ट्री हमारे जिले में आपत्ति आ रही है। किसान आंदोलन इतने लंबे समय तक चला और इतनी सारी शहादतें हुई है, आप किसको इसमें दोषी मानते हैं कि ये आंदोलन तो पहले भी वापस लिया जा सकता था, कृषि कानून पहले भी वापस लिए जा सकते थे, तो आपको क्या लगता है क्यों ये वापस नहीं लिए और इतने लोगों की शहादतें हो गई? सरकार सरकार है दोषी, जो सरकार पर दबाव ना बनता तो आंदोलन समाप्त हुआ, जो सरकार अपने हिसाब तक करती, अपनी विचारता करती, तो ऐसा मतलब 15-20 दिन में ही जो मांगी मैंने ली मांगी, ये मांग 15-20 दिन पहले भी तो मान लगते हैं, इतना लंबा धरना क्यों क्यों उन्होंने टिकट दिया, उनकी नहीं दिया थी, अब थारा राज है, शुक्र तम चौगे नो, जो सही किसान है वो RLD के अलावा वोट नहीं देने का, गठबंधन को वोट देगा, और जो बीजेपी को वोट देगा तो सर तो धरती में खोद गड्ढा वहाँ दबना पड़ेगा अपने आप ही। किसान और मजदूर को इस सरकार से कुछ लाभ पहुँचा है? कोई लाभ नहीं है, अब लाभ इतना दे रखा वोट लेने के चक्कर में 5-5 किलो अनाज दे दें, उस 5 किलो अनाज पर कम से कम 100 का नोट और लगे, वो कहाँ था होगा? सब्जी भी चाहिए, आलू 40 रुपये किलो, मिर्च भी चाहिए, तेल भी, नमक भी,
ये कहाँ से होगा, दे दिया 5 किलो उधर सूखे को खा ले यार, सूखा चला जाएगा अंदर वो, जब उसमें खारा मिलेगा जब पेट में जाएगा। तो ये सब उनके बगैर ये चुनाव तक या फिर डंडे बजाओगे। अच्छा और भी सुन, उसने कहा कि लगा सबका साथ सबका विकास, पूंजीपतियों का तो है साथ और गरीब किसान मजदूर का है नाश। ये लाल किला जो खा गया, देश की संपत्ति सारी ठेके पे दे दी तो खा गया, बिजली ठेके पे, लाल किला ठेके पे, आगरे का ताजमहल भी ठेके पे देने वाला था। अच्छा ये अस्पताल ये भी ठेके पे, सब चीज़ ठेके पे, रेलवे ठेके पे, बिजली ठेके पे, और अब तेरे बैंक भी ठेके पे जाएंगे। क्यों? अब जो जो मजदूर बैंक में कर्मचारी है 80 रुपये मिले, उस 80 की जगह 5 लगाए जाएंगे 16,000 रुपये के, वो से कह देंगे तू जा अपना करो, तो कर्मचारी भी परेशान है। आप ये बताइए कि पिछले 4 सालों में 5 सालों में सरकार द्वारा नौजवानों के लिए कुछ काम किए गए हैं, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है भाई, मेरा तो सभी जाता जो है परेशान है, हर चीज़ तो परेशान है। किस तरह की परेशानी उठानी पड़ती है? परेशानी तो उठानी पड़ती है भाई, शिक्षा में भी, नौकरी में भी, हर बार रोजगार में भी, हर चीज़ में जो है, गन्ने का पेमेंट ट्रेन पे नहीं है, महंगाई इतनी है, जो एक दो चीज़ थी वो 3-4 भी होगी, पिज्जा हाथ में है नहीं। अनुप जी एक चीज़ और बताइए, जैसे पहली सरकार भी रही है और भी कोई सरकार रही हो चाहे यही हो, किसान के 2 बेटे हैं, अगर एक खेत में खड़ा है, एक सीमा पे खड़ा है, और सीमा पे जाने के लिए वो आर्मी भर्ती की तैयारी करता है, पुलिस भर्ती की तैयारी करता है, क्या उसमें भी काम हुआ है सरकार द्वारा, कुछ नौजवानों को रोजगार मिला हो? ना जी, मेरे हाथ में एक लड़का है, बाज को भी वोट दी उन्होंने, और सारी सड़क टूट गई, भाग तू उसके भी 8 वोट टूट गई, आज लोग तो जानी हूँ, या दूसरा भाई मिल रहा वो खेती में लग लिया। लोग तो कहते हैं कि बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, हम तो बड़ा भूखे, मेरे तो जिम में पीछे नहीं है, हाईवे पर कौन चलेगा, हाईवे पर तो वही चलेगा जिनके द्वारा जिम में पीछे है सकमा है भाई, तेल खातर पीछे नहीं आएगा, हाईवे पर कौन जाएगा, मैं तो मोटरसाइकिल तेल भी नहीं खाली पड़ी आठ दिन तक जाना जाने जी कर रहा पीछे है जिम में कौन देगा पीछे। सड़क का उद्घाटन कर दिया साढ़ी आलू नहीं बनी, बताओ कहाँ बनी, उद्घाटन कर रहे हैं कहीं एयरपोर्ट का कर रहे हैं, कहीं खिलौना का कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो भाई सिद्धम सिद्धि बात है, वोट गठबंधन को जाकर एक दो रख रहे गांव गांव में, उसे भी मनाने की कोशिश करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पांव पकड़ेंगे, कुशामद करेंगे, उसे मनाएंगे, जिससे कि इस गांव में तो खत्ते ना खुले भाजपा। 2013 में एक दीवार सी एक खड़ी हुई थी लोगों के बीच, आपको लगता है क्या आंदोलन की वजह से वो दीवार गिरी है कुछ किया नहीं? नहीं, उसमें कुछ ऐसा हुआ, वो खड़ा गए, इन्होंने अपना स्टंट बनाया था और राजनीति का, उस टाइम पर हम वो खड़ा गए, बस दिमाग में लोग हिंदू मुस्लिम मिट गई, ये बहनी वो ये तो भाई है सब भाईचारा। तो अभी जब किसान आंदोलन चल रहा था, लखीमपुर खीरी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और अभी SIT की भी जांच आई कि वो लोग दोषी पाए गए हैं, लेकिन अभी तक उनका ना ही इस्तीफा हुआ है, उन मंत्रियों का, उन नेताओं का, तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ, तो सरकार क्या डराना चाहती थी किसानों को, क्या चाहती थी? डराना तो आप पहले भी चाहती थी, जनता से राकेश टिकैत को ठाव थे रात को, जो जनता ने छड़ा मार दिया होता तो ताना सही नहीं, और की है भाई ताना सही है, इससे तो खराब सरकार एक भी नहीं। आप कह रहे थे कि जब भी चुनाव आता है पाकिस्तान चाइना ये सब बात उठती है, कोरोना पाकिस्तान और चीन ये ध्यान आ जाए, फिर मंदिर ध्यान आ जाए, मंदिर खाणु को देंगे हमारे खेत, मंदिर में जो मंदिर में जाकर बैठ गए सभी तो पेट कैसे भरेंगे, मंदिर वालों का है, एक आदमी महात्मा हो रहा है मंदिर में, तो अब हम मंदिर बनाओ, मंदिर को बनाओ तो काम करवाना, और
नहीं जितना पैसा इतना मंदिर में राम मंदिर में लगा, इतना पैसा कहीं विकास में लगाता, अस्पताल बनवाता, चिकित्सा के मतलब जो ये ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, जब से सरकार को देख रहा है हमारे इस चीज़ की कमी है तो सब पहले इंतजाम करो, मरने के बाद में इंतजाम होने लग रहा है उसका। मंदिर खिलाफ नहीं है हम, राम मंदिर बनाओ, राम को तो फालतू मानने, पर बात ये राम नाम वोट ना मांगो, वोट मांगो काम बंदी। कोई फायदा हुआ नोटबंदी का देश को? घना नुकसान हुआ, वो तो वे बन गए सरमाएदार, बन गए पूंजीपति बने, उनमें गरीब किसान मजदूर तो मरा ही मरा लग रहा, मरता आया पहले से ही, और इस सरकार में ज्यादा मर रहा, इसका तो कुछ यह तानाशाही सरकार है भाई, या गरीब मजदूर की बिल्कुल नहीं है। यू ना आज दे रहा फ्री का, एक फिल्म आई थी आज अर्जुन, उसमें अमरीश पुरी कह रहा था अपने उसे, वो चेला सा था उसका, वो कह लगा लाला जी तुम यू फ्री का नाच क्यों बैठ रहे, अगर इन्हें फ्री का नाच खान दे आदत पड़न दे, इन्हें फिर बाद में सारा वसूल कर लूँगा, तो ये फ्री का नाच बेच कर राशन में दे रहा, ये तो फिर सारा वसूल कर मारपति कर रहा, कहा था वो उगा रहा कहीं, देखियो ना गेहूँ कुकर हो या ये कुकर हो, कुकर बंद है वहाँ से और कुकर पैन चलावा जाड्डे में, पता हो सही इस बात का। हमने बैंक से लोन लिया और 2.5 लाख रुपए लोन लिया, हमने कहा साल भर में बैंक को दे देंगे ताकि डिफॉल्टर ना बने, देश घाटे में ना चले, सब आदमी अपना व्यापार ठीक करे, हमारा ही पैसा, अगर वो पैसा पेमेंट हमारा पूरा दे दे तो हम उसका दे दें, ये हमारी 22 तारीख को पूरे साल भर हो जाएंगे, 2.25 लाख का हमारा पेमेंट भीतर पड़ा, पेमेंट बंद पड़ा, इतना भीतर पड़ा उसमें, हमारे पास कल तक 22 तारीख तक बाद में पॉलेंटी लगनी शुरू हो जाएगी, उसका बाप भरेगा पैसा हमारा, इनके चीज हमारी, और पागल हमारा, ये 300 आदमी 400 आदमी 600 आदमी कुल ऐसे है कि इनका ही सपा आचा जब शांति बने, सब चोर है ये, सुरेश राणा पे कम से कम इन देख लो, जब मंत्री नहीं था कुछ नहीं था उसकी के हिसाब था, आज अगर उसकी प्रॉपर्टी चेक करोगे या अगर उसका सारा बायोडाटा चेक करोगे तो अंदाजा नहीं होने का, 10 साल में इतनी तरक्की कर दो उसका, हमारा 6% कर दो जितनी उसकी तरक्की हुई, 1% कर दो मेरी उसकी तरक्की जितनी उसने करी 7 साल में 10 साल में 2 योजना में, या सरकार हम दे सके कुछ, सरकार को नहीं चाह सकते, सरकार को हम दे सके 25 रुपये दिए हमें, अगर वो 25 रुपये की बजाय 30 रुपये हमारा घटाया का भी पेमेंट कर दो जिब भी रह जी। हम लोग थाना भवन विधानसभा सीट के दरगाहपुर गांव में थे और हमने यहाँ किसानों से बात की, यहाँ मजदूरों से बात की, अलग अलग समाज के लोग यहाँ बैठे थे, हमने सबसे बात की, उनका कहना है कि वे सरकार की नीतियों से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं और इस बार वो सरकार बदलना चाहते हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह के चुनावी समीकरण बनेंगे इस बार, इसी चीज़ को जानने के लिए जुड़े रहे चलचित्र अभियान से, धन्यवाद।